गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग जो है मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्लास 12। और मैट्रिसेस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से आपको 12 to 14 मार्क्स इक्वेशन जरूर आते हैं एग्जाम में। और जब आप मैट्रिसेस समझोगे तो आपके लिए डिटर्मिनेंट ईजी हो जाता है, डिटर्मिनेंट ईजी हो जाएगा तो आपसे फिर लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे मैट्रिसेस को। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिसेस होता क्या है। तो एक ऐसा अरेंजमेंट है नंबर्स का जिस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर होता है। ठीक है, और इसका सिंबल है ये, देखो इस तरह से एक इंटरवल, क्लोज इंटरवल आप लोग जानते हो, तो क्लोज इंटरवल को बड़े फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह का जो आपका सिंबल है ये मैट्रिसेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहां पर इसका जो है फर्स्ट एलिमेंट होता है तो A11, A12, A13 इस तरह से आपके n तक होते हैं। तो ये जो लाइन है आपका इस तरह से, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। ओके, अगर इसी को हम फिर नीचे से लिखना चले इस तरह से A21, A22, 31, A41, ठीक है, और यहां से हम नीचे आ जाते तो AM1 मान लो कर देते। तो यहां पे ये मेरा हो गया वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में जो हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, तो ये जो मेरा है ये नंबर्स हो गए। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये हो गए मेरे नंबर्स। तो अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल लाइन इन दिस एरे इज नोन एज द मैट्रिसेस। तो अगर इसको फुल करेंगे तो ये देखो A22 होगा, A23 अप टू डॉट डॉट A2n। इसी तरह से ये 32, ये हो जाएगा 33, यहाँ पे A3n। तो हम लोग यहाँ पे और इस तरह से नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अरेंज करके तो यहाँ पे जो क्या आएगा, फिर AM1 है तो M2 होगा, फिर M3 होगा, जब लास्ट पे हम पहुंचेंगे तो यहाँ हो जाएगा M, और क्योंकि N का चल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा N। तो ये बनाएगा AMN। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे ये क्या है, A11 से क्या मतलब। यहाँ पे A11 में ये जो पहला वर्ड नंबर है, ये नंबर ये आपके रो को बताता है। ठीक है, कि किस रो का एलिमेंट है। और ये जो सेकेंड वाला नंबर है ये आपको बताता है कॉलम, कि किस कॉलम का ये एलिमेंट है। तो अगर हम A11 लिख रहे हैं मतलब है पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, मतलब ये। अगर इस वाले एलिमेंट को देखें तो क्या है, पहला रो, ठीक है, पहला रो बट सेकेंड कॉलम। समझ में आ रहा है गर्ल्स, समझ में आ रहा है, ये पहला रो है सेकेंड कॉलम। अब यहां आते हैं A33 पे, तो A33 पे क्या हो गया, पहला रो एंड देन थर्ड कॉलम। ये जो आपके नंबर्स यहाँ पे हैं ये है आपका कॉलम, और यहां से जैसे नंबर्स हम लिख रहे हैं इस साइड से हॉरिजॉन्टल वे, ये है आपका। तो मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स m into n इन m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। ठीक है, मतलब m आप कितने हमने लाइंस कीजिए, देखो m है ना यहाँ पे पहला, तो कितने हो गए, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन m, m नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हो गए मेरे रोज हो गए। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं m क्रॉस n, मतलब कितने ऑर्डर का है, तो m क्रॉस n इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो कहते हैं ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें कितने रोज है, तो m रोज है और n कॉलम्स है। ये क्लियर है गर्ल्स, इज दैट क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर है। यस मैम, यस मैम, ओके। अब इस मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से क्लोज इंटरवल से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पे इस तरह से ब्रैकेट्स के थ्रू भी हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन मोस्टली वी आर यूजिंग
दिस वन, ओके, ये हमारा सिंबल ही हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि बनाते हैं कोई एक मैट्रिक्स, आई होप सभी को क्लियर हो गया ये चीज, अगर किसी को डाउट है तो फिर बोलिएगा, ठीक है। हम बना रहे हैं एक मैट्रिक्स मान लो ए, और कितने ऑर्डर का है, तो 3x4 ऑर्डर का है, तो बनाते हैं, देखो 3x4 ऑर्डर का कितने आपके रो है गर्ल्स, बताइए। रो, तीन रो, कितने कॉलम्स होंगे, चार मैम, फोर, वन टू थ्री फोर, इतने ही होंगे। अब आते हैं आपके एलिमेंट्स को पुट करते हैं, तो एलिमेंट क्या था, नंबर्स थे, किसी भी तरह का नंबर्स, मेरे मन से मैं डाल दू वन, मेरे को मन कर रहा टू, यहाँ पे फोर, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे नाइन, एट, टू, जीरो, फोर, वन, थ्री, देखो हो गया। तो अब ये मेरा बन गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3x4 हैविंग एलिमेंट 1 इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 इन द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 इन द फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फाइन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड रो सेकंड कॉलम गर्ल्स, what is the value of the number in the second row second column, 9. What is the element in the third row first column, ma'am, 0. What is in the first row fourth column, what is in the first row fourth column, ma'am, 6. So abhi clear ho gaya kitna se numbers arrange kar rahe hain, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई एक फंक्शन तो देना जरूरी है, तभी हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मान लो जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मेरा कंस्ट्रक्ट थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स वॉज एलिमेंट इज गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू आई प्लस टू जे, ओके फाइन। तो ये मेरा क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। गर्ल्स मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ए आई जे है, तो व्हाट द फर्स्ट आई शोस, क्या इंडिकेट करता है आई, ये बताओ। मैम रो, रो, एंड व्हाट अबाउट जे गर्ल्स, कॉलम, मैम कॉलम। तो आपने क्या बनाना है, आपको एलिमेंट बनाना है, कितने सारे एलिमेंट्स आपने बनाने हैं, 3x2, कितने एलिमेंट होंगे फटाफट बता दो मुझे इस मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट होंगे, कितने सिक्स होंगे। तो अब सिक्स तो होंगे, मगर एलिमेंट क्या होगा ये फाइंड करना हमें, तो एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें यूज करना है ये वाली वैल्यू, तो 3x2 है। तो देखो पहला जब हम लोग यूज करेंगे, मान लेते हैं इसका नाम हम ए दे देते हैं, और यहाँ पे इस तरह से एलिमेंट लिख लेते हैं। पहला एलिमेंट अगर 3x2 यहाँ पे लिखा, तो पहला एलिमेंट कितने रोज है गर्ल्स, 3 रो है, और कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम। खुद के लिए हम पैसे यहाँ से बना लेते हैं, तो पहला क्या होगा, ए 1 1 होगा, फिर ए 1 2 होगा, फिर ए 1 3, फिर ए 2 1 होगा, ए 2 2 होगा, ए 2 3 होगा, 3 1 होगा, फिर 3 2 होगा, फिर 3 एंड 3 होगा, यही ना गर्ल्स, ये क्लियर है गर्ल्स, कैसे लिखे मैम, कॉलम 2 बनेगा ना, कॉलम तो 2 बनेगा ना,
तो बन गया हमारा। अब हमको एलिमेंट निकालना है, तो एलिमेंट निकालने के लिए डिफाइन किया गया, तो बनाते हैं एलिमेंट। पहला है ए वन वन, क्या हो जाएगा, आई की जगह वन, जे की जगह वन, तो ये क्या मिलेगा, देखो वन प्लस टू इंटू वन दैट इज थ्री। ए वन टू निकालना है, ए वन टू कितना आ गया गर्ल्स बोलिए, वन प्लस टू इंटू टू, ये क्लियर हो रहा है कैसे जा रहा है, आई की जगह yes, है वन, ए की जगह है टू, यहाँ पे पुट करा, आई के प्लेस पे लिखा वन, जे के प्लेस पे लिखा टू, तो वन प्लस टू इंटू टू एंड दिस विल गिव यू फाइव। सो आई एम राइटिंग हियर फाइव नाउ, फटाफट बताओ मुझे अब क्या होगा, टू वन टू टू थ्री वन थ्री, नाउ व्हाट इज टू वन, व्हाट इज टू वन गर्ल्स, क्या होगा, टू फोर प्लस टू वन, व्हाट इज एट टू टू, व्हाट इज एट टू टू, फटाफट करिए, सिक्स मैम, सिक्स थ्री वन, अरे थ्री प्लस टू, फटाफट करो जी, फाइव फाइव मैम, फाइव एट थ्री टू मैम, सेवन थ्री प्लस फोर सेवन, समय मिल गए, इसीलिए हमारा देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस टू इज कितना हो गया गर्ल्स, मैट्रिक्स बना लिया हमने, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट लिख देंगे, क्या आ जाएगा, थ्री फाइव फोर सिक्स फाइव सेवन, और नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस टू ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस आंसर, देखो क्लियर है, यस मैम, ओके चलो अभी आगे बढ़ो, तो ये आप लोग कर लोगे अपने से। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बस किसी को भी अगर डाउट है इसमें तो बोलो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो बोलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझोगे तभी आप आगे डिटरमिनेंट और फिर इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क राइट नाउ, कोई डाउट गर्ल्स, पूछना है किसी ने, पूछना है किसी को, नहीं, चलो अभी आगे बढ़े, नो मैम, ओके, मजा आ रहा है पढ़ने में ना, समझ में आ रहा है तो मजा भी आएगा, अगर वो पड़ेगा तो बोलना, फिर तो क्लास बंद करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वन बाई वन हमें डील करते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स, फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, देखो रो कहने का मतलब क्या है, रो मैट्रिक्स मतलब कि रो होना चाहिए, कॉलम एक हो तो भी चलेगा, कॉलम हजार हो तो भी चलेगा, कॉलम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट जब रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स एक कॉलम सॉरी एक रो जरूर होना है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ओनली वन रो, कॉलम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर इसका एग्जांपल हम बना दें तो हम पहला बनाते हैं, मान लो ए की वन क्रॉस फोर, इज इट अ रो मैट्रिक्स, जी यू एन जी जनरल, हां ठीक है, ठीक है सर, पता नहीं सबमिट कर गए, तुम जानो, बोलो गर्ल्स क्या होगी, क्या लिखे, कुछ भी लिखो ना, कुछ भी नंबर दो, एक रो मतलब एक रो होना चाहिए, कॉलम कितने बोले मैंने, फोर, वन फोर सिक्स एट, वन क्रॉस, इज दिस अ रो मैट्रिक्स, इज दिस अ रो मैट्रिक्स, यस मैम, यस, इट्स अ रो मैट्रिक्स,
रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस फोर. यस. नाउ नेक्स्ट बताइएगा मुझे. क्या ये रो मैट्रिक्स है? यस मैम. यस मैम. यस. तो हम दे देते हैं वन क्रॉस फोर. बीच में नंबर्स मैंने नहीं लिखे, ठीक है? बीच में नंबर्स मैंने नहीं लिखे. वन क्रॉस 40 दे दिया. मतलब कितने रो हैं गर्ल्स? कितने रो हैं मैम? वन. कॉलम कितने हैं? मैम 40. कॉलम मैंने 40 दिया है. किसी को नहीं दिख रहा होगा आई थिंक. अब दिख रहा है? यस मैम. यस मैम. तो 40. तो कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता. रो कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए. अगर ऐसा है तो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स. ठीक है. तो ये रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 40 हो गए. अब इसी को आते हैं कॉलम मैट्रिक्स. तो जैसे रो मैट्रिक्स हुआ था वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स होगा. तो कितने होंगे कॉलम मैट्रिक्स में? कितने कॉलम होंगे जी बता दो आप. 1 कॉलम मैम. 1 कॉलम मैम. 1 कॉलम. ओनली 1 कॉलम. आपके रो कितने भी हो सकते हैं. नो रिस्ट्रिक्शन फॉर रो के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. एग्जांपल आई सबमिटेड 1 2 3 4 बाय मिस. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स गर्ल्स? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स गर्ल्स? 4 क्रॉस. बोलो कितना हो गया मैम? 4 क्रॉस मैम. 4 क्रॉस 1. This is a column matrix of order. 1 2 3 4. Ma'am, 8 cross 1. ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 1. दिस वन इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8 क्रॉस. तो कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है गाइस? कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है? यस मैम. नेक्स्ट है जीरो और नल मैट्रिक्स. नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं. नल मैट्रिक्स, ठीक है? थर्ड वन. देखो जीरो कहने का मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स. तो अगर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं मतलब कम से कम एक कॉलम एक रो तो कुछ होना ही चाहिए, ठीक है? बट जब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो अभी तो नंबर्स 1 2 3 4 आ रहे थे वो आपके जीरो होंगे. कंप्लीट जीरो मतलब आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर तो होगा. मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो 3 क्रॉस 3 है बट एलिमेंट्स कितने होंगे? सारे के सारे जीरो होंगे. अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको मिलता है तो ये कहलाता है आपका नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स. तो अब हम कहेंगे दिस वन इज अ नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? 3 क्रॉस 3. यहां लिख सकते हैं Most all elements are zero. जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो वो मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स. अब एक और मैट्रिक्स मान लो हम बना लेते हैं बी और 1 क्रॉस 4 दे दिया. गर्ल्स बताओ कितने रो है? एक. वन. कॉलम मैम एक रो. मैम 4. कितने एलिमेंट होंगे बताइए? 4 कॉलम. एलिमेंट्स क्या होंगे बताइए? व्हाट आई विल राइट? क्या लिखेंगे आप?
आप क्या लिखेंगे बच्चा, एलिमेंट क्या लिखेंगे बताओ, ये बताओ मुझे एलिमेंट क्या लिखेंगे यहाँ अंदर में? मैम जीरो, मैम जीरो, ओके जीरो, मैम जीरो, कोई ना मैम जीरो, जीरो। नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x4, ठीक है? नेक्स्ट फोर। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, अब है नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। मैम नल मैट्रिक्स में कोई नंबर नहीं लेते? नल मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो, एलिमेंट ही जीरो, वाज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑर्डर कितना भी हो, इंफिनिटी भी क्यों ना हो, मगर उसके एलिमेंट क्या होंगे आपके, ऑलवेज जीरो ही होंगे, ठीक है? इसीलिए उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का क्या मतलब गर्ल्स, स्क्वायर का क्या मतलब? वर्क। स्क्वायर का क्या मतलब? टू का स्क्वायर कितना मिला? मैम फोर। टू स्क्वायर टू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? फोर। फोर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 16। ओके 16 मैम। फाइव स्क्वायर इज 35। थ्री स्क्वायर इज 9। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो तो वो 3x3, 4x4, 5x5 ऐसा हो। That means आपके number of rows and number of columns दोनों कितने होने चाहिए? बराबर। तभी आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? A matrix was number of rows and columns are equal. हम ये नहीं बोल रहे कि उसमें एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट इक्वल नहीं हो, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल होने चाहिए। तो ये बताइए यहाँ जो ये मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट किया हम लोगों ने, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस मैम। क्यों? क्योंकि देखो तीन रो है और तीन कॉलम, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है? तो अब हम लोग इसका एक एग्जांपल बना लेते हैं फटाफट से। इसके एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, द मैट्रिक्स 2, 4, 6, 8 कितने हैं? दो कॉलम दो रो, ठीक है? इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे ये क्या हो गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है? ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर गर्ल्स 2x2, फाइन। अब मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बताओ 9 3x3 का, तो अभी 3x3 का बना सकते हैं 2, 6, 8, 4, 3, 1, 2, 4, 1 3x3। तो ये भी क्या बन गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ये क्लियर हुआ गर्ल्स स्क्वायर मैट्रिक्स? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। देखिए डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स पहले देख लेते हैं, ठीक है? डायगोनल का क्या मतलब होता है गर्ल्स? नेक्स्ट इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, आई थिंक 5 है ना डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच
एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो. एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. तो पहले समझते हैं कि डायगोनल क्या है. देखो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 4, 6, 3, 2, 1, 1, 9, 2. तो देखो डायगोनल कहने का मतलब है जिसके रो और जिसके कॉलम दोनों सेम हो. मतलब ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट. ये क्या है आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं. ठीक है, तो अगर i इक्वल टू j कहने का मतलब है आपके एलिमेंट कितने होंगे, a 11 होगा, a 22 होगा और a 33 होगा. तो ये तीन एलिमेंट जो है आपके क्या डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं. तो अब इस मैट्रिक्स में यहां पे कितना है, a 11 में 2, यहां पे कौन सा एलिमेंट हो गया 2 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया. तो ये 2, 8, 9 जो एलिमेंट है दिस एलिमेंट इज नोन एज योर डायगोनल एलिमेंट. समझ में आ रहा है गाइस क्या बोल रहे हैं? यस मैम. इज इट ए आई जे, लेकिन आई किसके, जे के बराबर होना चाहिए. मतलब अगर 3x3 का मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है तो ए 11, ए 22, ए 33 आर योर डायगोनल एलिमेंट. फाइन, अगर डायगोनल एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स में ये 2, a 11, 8, a 22, 9, a 33 ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर योर डायगोनल एलिमेंट. तो अभी कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है. तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो कैसे होंगे, जीरो. मतलब अब ये सारे एलिमेंट कैसे बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे. ठीक है, सारे के सारे बन गए जीरो. ये हो गया 2, 8, 9. तो 2, 8, 9 क्लियर है गर्ल्स? क्लियर हुआ ये क्या बोल रहे हैं मैम? ये ऑलवेज मैम स्क्वायर बनेगा. यस, बोलिए गर्ल्स कहाँ डाउट हो रहा है, बोलिए फिर से. मैम ये हमेशा स्क्वायर बनेगा. क्या बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके रेस्ट एलिमेंट जीरो होंगे सारे. सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के ही मैट्रिक्स आपको मिलेंगे, बाकी जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा क्या होगा, जीरो होगा. और डायगोनल एलिमेंट मैंने क्या बताया, जितने भी आपके आई जे बराबर वाले एलिमेंट, मतलब ए 11, ए 22, ए 33, ए 44, ए 55, ए 66, इस तरह का जो एलिमेंट का जो पोजीशन है वहां पर के एलिमेंट आपको मिलेंगे, बाकी सारे आपके जीरो होंगे जहां पर आई नॉट इक्वल टू जे हो. मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि आपके डायगोनल एलिमेंट अगर ए आई जे है तो यहाँ पे ऐसे सारे एलिमेंट होंगे ए आई जे जहां पर कि ये क्या हो जाएगा, ए आई जे एलिमेंट होगा अगर आई इक्वल टू जे है, और रे तो जीरो होगा अगर आई और जे बराबर नहीं है. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर है गर्ल्स? क्लियर हुआ अभी? यस मैम. ओके, तो अब देखो इस तरह के एलिमेंट्स में अब एक चीज और हम आपसे पूछते हैं, क्या डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए लिख रहे बच्चा, अगर डायगोनल बनाना है और स्क्वायर नहीं होगा तो सारे एलिमेंट हमको कहां से मिलेंगे. मान लो अगर हम इसको डायगोनल नहीं बना, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं और 2x3 का बनाते हैं. मान लीजिए, मान लो हम इसको 1x2x3 का बनाते हैं. 2x3 अगर बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो देखो डायगोनल कहाँ मिल रहा है, डायगोनल एलिमेंट का मतलब a 11 हो गया, a 22 हो गया, मगर यहाँ तो और एलिमेंट मिल नहीं रहा मुझे और इसका पेयर भी नहीं हो पा रहा है. तो
तो इस तरह का जो मैट्रिक्स बनेगा वो डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोलिए हम वही बोल रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए। जरूरी है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आपका डायगोनल मैट्रिक्स जनरेट नहीं कर सकता। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 हो गया या रूट 2 या 4, बाकी सारे एलिमेंट अगर 8 ले लिया तो देखो सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0, तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? 4x4 ऑर्डर का मैम। 4x4 ये 4x4 लिखेंगे। सो दिस वन इज अ 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया ये हमारा, ठीक है। सो दिस वन इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसा है? स्केलर मैट्रिक्स में हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ओके, इज जीरो, बट एवरी डायगोनल एलिमेंट इज सेम। एवरी डायगोनल एलिमेंट इज सेम, डायगोनल एलिमेंट इज सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या बोल देंगे? ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, अगर I इक्वल टू J है तो, और बाकी हो जाएंगे 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे हम क्या? डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर गाइस? स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हुआ? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच एंड एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज सेम, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज योर स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो हो गया। यस मैम। अब आते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है। तो यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज यूनिट। यूनिट का मतलब गर्ल्स, यूनिट का मतलब वन, तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो बट एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन, एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। देखो सब एक दूसरे से लिंक है, सेम टू सेम है, बस छोटे छोटे डिफरेंस है। नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट, यूनिट मतलब वन, वन है मतलब कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे? वन 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 वन, तो ये बन गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हमारा ए आई जे कैसा हो गया? ए आई जे हो गया वन अगर आई इक्वल टू जे है, अदरवाइज जीरो। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर 4 ऑर्डर का है तो इसको हम दिखा सकते हैं क्या? आई 4 इक्वल टू दिस वन, मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर इसको हम 2x2 बनाए तो गर्ल्स कैसा होगा बताइए, बताइए 2x2 में क्या लिखेंगे बता दो मुझे मैम। 1 0 and 0 1 1 0 and 0 1, एंड वी विल डिनोट इट बाय I2। ओके गर्ल्स, क्लियर ना? यस मैम। सो दिस इज योर
यूनिट मैट्रिक्स। अब इसी में है तो इतना आप लोग पढ़ लोगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक जितना भी कॉन्सेप्ट है, अगर अभी तक में किसी को डाउट है इतने तक में तो बोलिए, तो हम आगे फिर इसको क्लियर करेंगे। एनी डाउट गर्ल्स, यहां तक किसी को डाउट है? नो, ओके। अब नेक्स्ट है कंपैरेबल मैट्रिसेस। अभी तक सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपैरेबल मैट्रिसेस, कंपैरेबल। अच्छा बताओ, कंपेयर करने के लिए कितने लोग होने चाहिए? अगर हम आपको कंपेयर करें किसी से तो कितने होने चाहिए? क्या अकेला एक आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो? नो मैम। एक कैंडिडेट और होने चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कंपेयर कर सकते हैं। यस, तो अगर कंपैरिजन मैट्रिसेस के बारे में अगर हम बात करें तो कंपेयर करना है हमें, और अगर कंपेयर करना है तो कम से कम दो मैट्रिक्स तो होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स होना, तो दो मैट्रिक्स भी ऐसे होने चाहिए जो सेम लेवल के। दैट मीन्स अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स के स्टूडेंट से ही हम कंपेयर कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर विद द आर्ट्स स्टूडेंट। हम हिस्ट्री के बच्चे से आपको कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, ओके। लेकिन आपको हम मैथ्स के दूसरे बच्चे से जरूर कंपेयर कर सकते हैं कि उसको ये फॉर्मूला याद है, आपने याद नहीं है, या कुछ इस तरह से। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि कंपेरेबल मैट्रिसेस की जब हम बात करें तो मेरे पास कम से कम दो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, ओके। तो टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस if both are having the same order, okay, if both of them are having same order, so two matrices A and B are said to be comparable if they are of the same order, are said to be comparable matrices if they are of same order, ठीक है। तो जैसे मान लो दो मैट्रिक्स में बनाते हैं, जैसे मान लो यहां पे कुछ देखो 2 4 6 8 इक्वल टू 2 1 9 8। हमने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। I am only saying that कि आपके order same होनी चाहिए, okay? Number of element या number of element जो यहाँ पे हैं, ये same नहीं होने चाहिए। तो आप इसको compare कर सकते हैं, और हम क्या compare करेंगे कि both of these matrices are of order 2 x 2। Clear है girls? Clear हो ये चीज? Yes ma'am. अब इसी में next इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मतलब कहाँ होता है, दोनों को बराबर करना, यही ना। तो इक्वल मैट्रिसेस का मतलब हो गया कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ओके, एंड their corresponding elements are equal, and their उसमें elements भी क्या होने चाहिए आपके, same होने चाहिए, and their corresponding elements are equal. Only then we are saying that the two matrices are of same. देखो same और compare दोनों अलग चीज है। कंपेयर कहने का मतलब है कि दोनों एक ही लेवल के होने चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जब सेम की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो जैसे मान लो एक एलिमेंट हम यहाँ बना रहे हैं, 2 है, x है, 4 है, यहाँ पे 3। तो अभी यहाँ पर भी जो एलिमेंट बनेगा ना, तो 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, यहाँ पे मान लो 1 है। तो अब ये दोनों क्या हो गए,
ये हो गए सेम मैट्रिसेस। और अगर सेम मैट्रिक्स होता है तो हम अब ये बता सकते हैं कि ये एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये आपको दो हिस्सा से सेम मैट्रिसेस दे दिए जाते इक्वल, और इक्वल मैट्रिसेस करके आपको बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो यहाँ पे ऐसे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा जेड और यहाँ पे लिख देगा फोर, और क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड एक्स एंड जेड। तो आपने क्या करना है, आपने फटाक से देखना है कि हाँ ये क्या है, सेम मैट्रिसेस है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, 4। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जी। गर्ल्स इज दैट क्लियर ना, अभी यहाँ तो सभी कुछ क्लियर है सभी को। यस मैम। तो आज ये रखते हैं, फिर नेक्स्ट से हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक जितना भी आप लोग का है उसको आप सॉल्व करिए बुक से, क्वेश्चंस बनाइए, नहीं पूछ समझ में आता तो फिर पूछिएगा, ठीक है गर्ल्स। क्लास क्लोज करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास भी आई थिंक नेक्स्ट क्लास देख लेते, फिर आपको हम 8:30 तो नहीं ले पाएंगे, तो उसके बाद में आपका टाइम चेंज करके हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्लियर है गर्ल्स। यस मैम। यस ओके गर्ल्स, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।